जल्दी बताओ कितने में बेचोगे अपनी टाचन कार को? 20 करोड़। राजन यहाँ पर कैसे आ गया? यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और गर्मा गर्म ब्रांड न्यू वीडियो में। अरे भाषा कुल्ले, एक बात बताऊं तुझे? हाँ बता। अरे भाषा कुल्ले, मेरा ना 10 किलो वेट बढ़ गया, 10 किलो। हैं? अबे साले तेरा फिर बढ़ गया वेट? अबे हाँ यार, पता नहीं कैसा बढ़ गया मेरा वेट। अबे कम खा साले, तभी तेरा वेट कम होगा। अबे खाता तो कम, तभी तेरा वेट बढ़ गया। अरे अरे तुझे पता, मैं ना 15 रोटी में से 14.5 रोटी खाता हूँ अब। सच में? और क्या। अरे भाई भाई भाई, मान गया तुझे। देख लो गाइस, हमारा चौक 15 रोटी में से 14.5 रोटी खाता है, फिर कहते मेरा वेट कैसे बढ़ गया। अबे क्या हुआ? अबे यार कैसा कुत्ता है तू साले, तू 15 रोटी में से 14.5 रोटी खाकर तू सोचता है कि मेरा वेट कम हो जाएगा। हाँ तू नहीं आता वेट कम? नहीं नहीं तो कोई बात नहीं, अब से मैं 14.5 में से 14 रोटी खाऊंगा, अब कर भी कह सकते हैं। हाँ अब कुछ नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि तू अब चुप हो जा। ठीक है पागल कहीं का। और तू शिनचैन कौन से सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, बोल क्यों नहीं रहा? अरे यार रिंगू भैया मुझसे मत बोलो, मैं अभी बहुत डिप्रेशन में हूँ। क्या बोला तूने? अबे तुझे कौन सी टेंशन खा रही है जो तू डिप्रेशन में चला गया? अरे यार ट्रेंगल भैया, आपको तो मजाक सुधा रहता है, अगर मैंने आपको वो बात बता दी ना तो आप सुन नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, मैं सुनने को तैयार हूँ, बता मुझे। तो सुनो, हमारा आगे का वक्त अब बुरा आने वाला है। मतलब कहना क्या चाहते तू? अरे यार फिंगर भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम गरीब होने वाले हैं। कैसे? अरे यार फिंगर भैया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया था तो मुझे ना प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल मिले थे। अच्छा क्या कह रहे थे? अरे वो ये कह रहे थे कि अपने भाई को बोल देना कि शाम तक अपना घर खाली कर देना। अभी क्यों? पता नहीं, बस ये कहकर चले गए। चले गए? अबे साले ऐसे कैसे चले गए, तूने पूछा क्यों नहीं? अरे फ्रेंड भैया, मुझे लगा आपको पता होगा इसलिए मैंने नहीं पूछा। अबे मुझे कैसे पता होगा? अरे भाषा को ले, तूने कोई लोन वोन तो नहीं ले रखा? लोन? अबे चल रुक रुक रुक, शायद मैंने लोन लिया था। कब? मैंने लोन हाँ पिछले साल लिया था इस घर से। क्यों? अबे यार पिछले साल बहुत गरीबी आ गई थी इसलिए मैंने इस घर से लोन ले लिया था। अरे प्रेमी भैया कितना लोन लिया था? अरे शिनचैन भाई मैंने 10 करोड़ का लिया था। अरे बाप रे। अरे भाषा को ले, तेरा दिमाग तो सही है, इतना कौन लोन लेता है? पागल है क्या भोसड़ी के? अबे यार गलती हो गई, अब समझ नहीं आ रहा है कैसे पैसे चुकाऊं इनके। अरे वैसा कुलवे, तू क्या कर किसी से उधार ले ले। अबे कौन देगा इतनी बड़ी रकम? अरे यार फेंगर भैया, आप क्या करो, ट्रेवर दद्दू या माइकल दद्दू से पैसे ले लो। अबे नहीं यार, ट्रेवर तो वैसे ही नंगा है, उसके पास तो वैसे ही अपने कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, वो कैसे देगा? तो फ्रेंकल भैया माइकल दद्दू से ले लो। अबे यार उसकी बीवी नहीं देन देगी। अरे वैसा कुलवे, फिर करना क्या है, कैसे देना उनके पैसे, जल्दी सोच वरना हम शाम तक रोड पर आ जाएंगे। अबे यार ऐसा मत बोल, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे वैसे ना तू पक्का हरामी है। चुप, बिल्कुल चुप। अबे यार तू चुप हो जा, मुझे कुछ सोचने दे। ए भगवान क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। ए भगवान, ओ गॉड, क्या करूँ क्या करूँ, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया। एक मिनट, ताजन भी तो है हमारा। मतलब कहना क्या चाहता है तू? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं, ताजन को बेच देते हैं अच्छे दाम में। अरे वैसा कुलवे, अब तो पक्का कंफर्म हो गया। क्या? ये जो तेरा ऊपर का माला है ना, बिल्कुल खाली है। ज्यादा बकवास मत कर। अभी क्या गलत बोल रहा हूँ मैं,
साले तू हमारे टाचन को बेचेगा, ऐसे तो तू हमें भी बेच देगा। हाँ फेंगल भैया, चौप बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे यार समझने की कोशिश करो, अगर हम रोड पे आ गए तो हम भूखे मर जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ टाचन को बेच देते हम। नहीं फेंगल भैया, अपने फायदे के लिए टाचन को नहीं बेच सकते हम। अरे यार ऐसी बात नहीं है, मेरे पास टाचन के लिए एक अच्छा सा ऑफर भी आया हुआ है। कैसा ऑफर? अरे यार मुझे एक हफ्ता पहले एक अंकल मिले थे। क्या कह रहे थे? अरे वो ये कह रहे थे कि अपनी आत्मा वाली कार मुझे बेच दो, जितना बोलोगे मैं उतने पैसे दे दूंगा। सही में फ्रैंकल भैया? हाँ शिनचैन। अच्छा, अरे यार जॉब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं मान रहा टाजन को बेचने का, क्योंकि मैं टाजन से बहुत प्यार करता हूँ बहुत। कोई बात नहीं शिनचैन, अपने दिल पर पत्थर रखकर बेच देते हम। ठीक है चलो फिर। चलो टाजन एक जगह जाना है, तेरे को रास्ता बता रहा हूँ मैं। अरे ओ चौकीदार। हाँ जी भैया, किससे मिलना है? हमें तुम्हारे मालिक से मिलना है। ठीक है जाओ अंदर। अरे अरे फ्रैंकल बेटा, यहाँ पर आना कैसा हुआ? अरे अंकल आपको मेरी आत्मा वाली कार चाहिए थी ना? हाँ चाहिए थी, बेच रहे हो क्या? हाँ जी अंकल। अरे अरे बेटा कहाँ पर है वो कार, मैं अभी खरीद लूंगा। अरे अंकल वो बाहर खड़ी है, अंदर बुलाऊं क्या? हाँ बुलाओ। अरे ओ टाजन अंदर आ, यही है आत्मा वाली कार हमारी टाजन, बहुत सुंदर है। जल्दी बताओ कितने में बेचोगे अपनी टाचन कार को? 20 करोड़। ओनली 20 करोड़? जी हाँ। ठीक है अभी देता हूँ। ओके अंकल चलते हैं हम। ओके बेटा ध्यान से जाना। बाय बाय टाचन, तेरी बहुत याद आएगी। टाचन मेरे भाई मेरे दोस्त, अपना ध्यान रखियो। चलो शिनचैन शॉप, हमें घर जाना है। ठीक है कोलबे चल। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मन, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। चल कलवे मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ फ्रैंकल भैया मैं भी सोने जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, और ये पैसों का सूटकेस भी अंदर रख देना। ठीक है। अबे यार कौन आ गया अब? अरे यार इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, यहाँ पर क्यों आए हो? अरे हम तुम्हारा घर खाली करने आए हैं। क्यों? अरे अरे कोर्ट से ऑर्डर आया है कि तुमने अपने घर से लोन लिया था जो तुम चुका नहीं पाए, इसलिए हम तुम्हारा घर खाली करने आए हैं। अरे यार इंस्पेक्टर साहब ऐसा मत करो, मैं आपको अभी पैसे देता हूँ। अरे अरे तेरे पास पैसे है अभी? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब है। तो दो फिर। ठीक है मैं अभी लाता हूँ। ये लो इंस्पेक्टर साहब पैसे। अरे अरे मैं एक सवाल पूछूं तुमसे। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब पूछिए। ये जो तूने पैसे दिए ये अचानक तेरे पास आए कहाँ से? वो सर मैंने अपनी कार बेच दी। कौन सी? वो आत्मा वाली? हाँ जी सर। अरे अरे ये तूने क्या कर दिया, अपना घर बचाने के लिए तूने अपनी टाजन कार बेच दी। तो इंस्पेक्टर साहब करता क्या मैं? कुछ भी करता, पर टाजन कार को बेच कर तूने बहुत गलत किया। तुझे पाप चढ़ेगा फ्रैंकलिन पाप। टाजन 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 मेरे भाई, मैं सिर्फ तेरे बिना नहीं रह जा रहा। अरे वैसा कोल है? हाँ बोल क्या हुआ। अरे यार नीचे आइयो। अच्छा आ रहा हूँ मैं। हाँ बोल क्या हुआ। अरे वैसा कोल है तू बताना, तू इतनी जोर से टाजन क्यों चलाया था? अरे यार जब हमने टाजन को बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे वैसा कोल है सच बताऊँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे यार जब अब गलती फील करने का क्या फायदा, अब थोड़ी टाजन वापस आ जाएगा। अरे यार कोई तो रास्ता होगा टाजन को वापस लाने का। अरे यार जॉब एक आइडिया। क्या? अरे यार मैं क्या करता हूँ, जिनको टाजन बेची है ना उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी टाजन हमें वापस दे दो। अगर कल वे नहीं दी तो देनी पड़ेगी जॉब, मैं उनके पैर पड़ूंगा हाथ जोड़ूंगा, पर टाजन को वापस लेकर आऊंगा। तो ठीक है जॉब फिर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। We'll be right back.
अरे अरे, ये तो मेरे दोस्त बॉबी का दुश्मन फ्रैंकलिन है, इसी की वजह से तो मेरा दोस्त जेल में बंद है। क्या करता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ अपनी कार से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कलवे, अबे क्या हुआ चुप, अब तू क्यों चिल्लाया? अरे सिंचन भाई, हमारा कलवा किसी मुसीबत में है। तुझे कैसे पता चला? पता नहीं, पर तो चल मेरे साथ। ठीक है। अरे वैसा कोले, ये क्या हुआ, तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे चुप, ये अभी होश में नहीं है, हम क्या करते हैं, इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ठीक है, पर इसको लेकर कैसे जाएंगे? अरे चुप, मैं क्या करता हूँ, टाजन को बुलाता हूँ। ठीक है, जल्दी बुला। टाजन अरे टाजन, तू कहाँ जा रहा है? अरे सिंचन भाई, टाजन आता जाएगा ना। हाँ चुप, बिल्कुल आएगा। टार्जन, टार्जन ओए, जल्दी हमें हॉस्पिटल बचा, हमें कलवे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा, जल्दी बचा हमें। डॉक्टर अंकल, मेरा बड़ा भाई कैसे है? वो अब बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। सही में? हाँ जी बेटा। थैंक यू डॉक्टर अंकल, आपके वजह से मेरा भाई बच गया। कोई बात नहीं। चलो टार्जन, जिस किसी ने ये हमारे भाई की हालत किया, उससे बदला लेने चलते हैं हम। अरे जब ये एक्सीडेंट है, किसी ने जानबूझकर थोड़ी किया? नहीं सिंचन, ये सब जानबूझकर किया, देखो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे अरे जल्दी ये लॉ सेंटर छोड़ देता हूँ, पता नहीं फ्रैंकलिन के भाइयों को कैसे पता चल गया कि फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल पहुँचाने वाला मैं ही था। राजन यहाँ पर कैसे आ गया? अरे बादशाह कोल्वे, तू ठीक हो गया? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, पर तुम यहाँ पर मुझे हॉस्पिटल कैसे लाए? टार्जन की वजह से। अच्छा, थैंक यू टार्जन। अरे अंकल, आप क्यों आ गए? टार्जन आ ही रहा था। अब उसको आने की कोई जरूरत नहीं। मतलब? मतलब ये कि टार्जन अब से तुम्हारे साथ रहेगा। सही में अंकल? हाँ बेटा, ना तुम टार्जन के बिना रह सकते हो, ना ये टार्जन तुम्हारे बिना रह सकता है। पर अंकल वो पैसे? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, अपने पास रखिए। थैंक यू अंकल। तो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ना लाइक कर देना, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय।